हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू। रेसिपी किचन विद नीतू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए फ्रेंड एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेकर आई जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। जब आपको कुछ बारिश में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इस नए तरीके की नाश्ते को फ्रेंड जरूर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ हमने बॉईल किए हुए आलू ले लिए। फ्रेंड आलू को हमने पहले से बॉईल कर लिया था और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। तो आलू को अब हम मैश कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फॉक का इस्तेमाल किया है। आप मैशर की भी सहायता फ्रेंड ले सकते हैं। तो फटाफट हम यहाँ पर आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप ग्रेटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो फ्रेंड ग्रेटर से मैश करने से आलू गीले भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने आलू को इस तरीके से मैश कर लिया। अब मैं इसमें फ्रेंड कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करूँगी जिससे ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ बारीक कटा ऑनियन डाल देती हूँ और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें अब नमक डाल दूँगी। नमक अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा फ्रेंड। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच से कम भुना हुआ धनिया पाउडर डाल दूंगी और इसको डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं पुदीना पत्ती डाल दूंगी। इसको डालना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। इस नाश्ते में आपके पास अगर ये नहीं है तो आप धनिया पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो फ्रेंड अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस रेसिपी में आप पुदीने पत्ती का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसे बहुत ही अच्छा सा इस नाश्ते में टेस्ट आएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इन्हें अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए आलू का जो मिक्स है बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करूँगी जिससे नाश्ता हमारा क्रिस्पी बनेगा। 2 चम्मच इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हो। तो बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब फ्रेंड आपको लगे कॉर्नफ्लोर कम है तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ये आलू पे डिपेंड होता है कि इसमें कितना कॉर्नफ्लोर लगेगा। तो यहाँ फ्रेंड हमने 2 से 3 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर डाल दिया था और बस इनको हमने मिक्स कर लिया। ये देखिए एकदम डो जैसा हमने इसे बना के इसका तैयार कर लिया है। अब मैं इसके नाश्ता बनाऊँगी फ्रेंड। तो पहले हाथों को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, इसके बाद बनाते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड हाथों को हमने क्लीन कर लिया। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। इसके बाद हम चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे से हम इसके टिक्की जैसे हम इसके शेप देंगे, जैसे आप कटलेट बनाते हैं फ्रेंड वैसे ही हमें इसे बनाना है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड हाथों से रोल कर लेंगे बिल्कुल टिक्की जैसे, जैसे आलू की टिक्की बनाते सेम वैसे ही इसे बना के तैयार कर लेना है। इसे ऐसे थोड़ा सा इसको फिनिशिंग दे देंगे रोल जैसा, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा बिल्कुल बन गया। इसे और भी ज़्यादा सुंदर और टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे फ्रेंड तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए तो यहाँ फ्रेंड मेरे पास ब्राउन तिल है, अगर आपके पास वाइट हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो इस तरीके से तिल की एक अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे ताकि फ्रेंड हमारा ये नाश्ता देखने में सुंदर लगे और खाने में फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में घर पे रखी हुई चीज़ों से फ्रेंड ये नाश्ता आप बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको एक और भी बना के दिखा देती हूँ। जब भी दूसरा कटलेट इस तरीके से बनाइए तो हाथों में पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और इस तरीके से देखिए फ्रेंड मैं आप इसको इस तरीके से रोल करते हुए एक कटलेट का एकदम शेप दे रही हूँ इसे, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से देखिए हमने इसे बना के तैयार कर लिया। अब मैं इसे तिल पे एक अच्छे से इसकी कोटिंग करूंगी। तो आपको अगर ज़्यादा तिल कटलेट पे नहीं लगाना तो आप इस तरीके से तिल को इस तरह डाल सकते हैं ऊपर से। और जब भी तिल अच्छे से इस पर लगाइए इसको एक बार अच्छे से दबा के इस पर चिपका दीजिएगा ताकि तिल निकले ना फ्रेंड फ्राई करते समय। तो फ्रेंड थोड़ी बहुत तिल फ्राई करते समय निकल जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पर सभी इस तरीके से नाश्ते को देखिए बना के तैयार कर लिया। अब चलते फ्रेंड इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते। इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हमने पैन लिया, इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि फ्रेंड हम इस नाश्ते को सैलो फ्राई कर रहे हैं। तो आप चाहे फ्रेंड डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इसमें एक एक करके इस तरीके से टिक्कियों को इसमें डालते जाएंगे। और फ्रेंड इस नाश्ते को बनाने में इसमें ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत ही कम तेल में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनके तैयार हो जाती है। और देखिए हमने इसमें डाल दिया। जब एक तरफ फ्रेंड हल्का सा क्रिस्पी हो जाए, ये देखिए तब मैं इसे पलट रही हूँ। तो एक साइड से मैं इसे अच्छे से पलट देती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड कितना प्यारा सा कलर आ, तिल की एक अच्छी सी कोटिंग हो गई है। तो ये नाश्ता देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से मैं इसे एक साइड से पलट देती हूँ, दोनों तरफ मैं इसे अच्छे से इसे पका लूँगी।
और देख सकते हैं फ्रेंड, जब इस नाश्ते को पकाइए तो गैस को थोड़ा सा मीडियम कर दीजिएगा, हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल ना फ्राई कीजिएगा फ्रेंड, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे पर ये क्रिस्पी नहीं रहेंगे। और ये देखिए इस तरीके से मैं इसे अच्छे से देखिए, हमने इसका कलर देख सकते हैं चेंज हो गया है। तो इस तरीके से मैं इसे आप थोड़ा सा पलट देती हूँ और देख सकते हैं दोनों तरफ से कितने बढ़िया है फ्रेंड, ये नाश्ता फ्राई हो गया है। तो बस अब मैं इसे निकालूंगी, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, नहीं तो फ्रेंड इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं इसी तरीके से इसको निकाल लूँगी, इसका लुक देख सकते फ्रेंड कितना ज़्यादा टेस्टी बना है, देखने में ही पता चल रहा है फ्रेंड। बस इसे प्लेट में निकाल के मैं इसे प्लेट में सर्व कर लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड, इस नाश्ते का लुक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा, बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बन करके बिल्कुल तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप इसका लुक। और यहाँ पे फ्रेंड हमने नारियल और मूंगफली की चटनी ली है जो कि इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगती। इसकी रेसिपी मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं की फ्रेंड, अगर आपको ये रेसिपी सीखनी हो तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देख सकते हैं इस नाश्ते का लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस बारिश के मौसम में इस नए तरीके की नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड, जब आपको कुछ चटपटा और कुछ खट्टा सा तीखा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके का नाश्ता है फ्रेंड। आपने आलू के कई तरीके के स्नैक्स ज़रूर खाए होंगे पर इस तरीके के स्नैक्स को ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड। ये देखिए मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये नाश्ता बिल्कुल बन करके तैयार हुआ है फ्रेंड। अगर आपको फ्रेंड इस नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए आए हैं चैनल पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड नई रेसिपी के साथ।